उन्नत टेलीसेवा पंचम पीढ़ीर वैषयिक कौशल आपणेबाकू जाउछि भारत आउ एथिपाई होईछि 5G स्पेक्ट्रम निलामर प्रथम राउंड। दूरसंचार विभाग प्री क्वालिफाइड ब्रिडर्स तालिका जारी रही अर्थात जारी करा जाइछि। निलाम रे भाग नेइछंती रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी ग्रुप। निलाम पाई रिलायंस जियो 14,000 कोटी टंका जमा करिछे, भारती एयरटेल 5,500 कोटी टंका और वोडाफोन आइडिया 2,200 कोटी टंका जमा करिछे। तबे नुआ करी टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश करिछे अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप रो टेलीकॉम कंपनी अदानी डाटा नेटवर्क 100 कोटी टंका जमा करिछे। केंद्र सरकार मोट 4.3 लाख कोटी टंकार 72 GHz स्पेक्ट्रम रो निलाम करिबो। निलाम रो सरकार को 80,000 रु 1 लाख कोटी टंका राजस्व मिलिबो। बिड हासिल करितवा कंपनी को 20 वर्ष जाए 5G स्पेक्ट्रम आवंटन करा जिबो। अदानी ग्रुप स्पेक्ट्रम किणिबारे सफल हेले 5G रे प्रतिद्वंदिता बढ़िबो। भारती एयरटेल सुनील मित्तल मध्य दौड़रे अछंती। कुछ महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G ऑक्शन का अप्रूवल दिया था कैबिनेट के द्वारा। डिपार्टमेंट ने तेज़ी से काम करके ऑक्शन प्रोसेस को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया और कल कंप्लीट इसके प्री ऑक्शन एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई थी और आज ऑक्शन सुबह से चालू हुआ। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पांस है उस रिस्पांस से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाज़ा है करीब करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। Approximately 1,45,000 crore is a very important number because this shows that the entire industry is now moving towards a positive territory in the sense that नए investments की बात आएगी, अब quality of service improve करने की बात है, नई technology लाने की बात है और industry एक sunrise industry की तरफ बढ़ रही है। telecom industry जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है global benchmarking, very light regulation, and regulation should be in proportion to what we need to do. इन सब को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया का जो फाउंडेशन है वो टेलीकॉम है, तो उस सब को देखते हुए आज का ऑक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।